नमस्कार दोस्तों, वैदिक पंचगव्य यूट्यूब चैनल में मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना अस्थमा, अस्थमा के प्रकार, उसके कारण, लक्षण और बचाव के उपायों के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ आसान घरेलू नुस्खे जो आपके अस्थमा को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जरूर क्लिक करें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, जिससे आगे भी हमारे महत्वपूर्ण वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, अस्थमा या दमा यह एक श्वसन तंत्र की बीमारी है जिसमें सांस लेने में रोगी को तकलीफ महसूस होती है। इसकी शुरुआत तो नॉर्मल सर्दी खांसी से होती है, पर अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कुछ सालों में अस्थमा का रूप ले लेता है। इसमें रोगी को श्वसन नलिकाओं में सूजन आ जाती है और श्वसन नलिकाओं में कफ जम जाता है, जिससे श्वसन नलिका सिकुड़ जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। छाती में कसाव जैसा महसूस होता है, सांस फूलने लगती है, जिसकी वजह से बार बार खांसी आने लगती है। यही वजह है कि फेफड़ों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध ना होने की वजह से रोगी को बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है। दोस्तों, इस सब स्थिति का मूल या फिर रूट कॉज है हमारे आंतों में। शरीर में एलर्जी या फिर आंतों में जमी गंध की वजह से ही शरीर में कफ जम जाता है, जो आगे जाके अस्थमा का कारण बनता है। दोस्तों, हमारी बदलती जीवन शैली और बढ़ता हुआ पॉल्यूशन अस्थमा की बीमारी को और बढ़ाता है। बढ़ते प्रदूषण से श्वसन नलिकाओं में इन्फेक्शन होता है और वहाँ के नसों में सूजन आ जाती है, जो अस्थमा का कारण बनती है। दोस्तों, इसके साथ ही जो लोग रेगुलर तौर पर मैदा या फिर मैदे की बनी हुई चीज़ें जैसे पाव, डबल पाव, बिस्किट, ब्रेड खाते हैं, जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है और चिपचिपापन बहुत ज़्यादा होता है, उनके हाथों में ये चीज़ें चिपक जाती हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में आहार के हिसाब से मैदा वर्ज्य माना गया है, क्योंकि ये हमारे आंतों में चिपक जाता है और कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण बनता है। जैसे जैसे आंतों में कचरा बढ़ता जाता है, ये समस्या गंभीर हो जाती है। दोस्तों, हमारे शरीर में जमा कफ हमारे शौच द्वारा ही बाहर निकल सकता है, पर हमारी बड़ी आंत अगर कचरे से भर जाए तो शरीर में जमा कफ और म्यूकस बाहर नहीं निकल पाता और अस्थमा का कारण बनता है। इसीलिए अस्थमा के रोगियों को मैदा और उससे बनी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपने पेट को हमेशा साफ रखना चाहिए। दोस्तों, एलोपैथी की दवाएं अस्थमा के अटैक को आने से तो रोक सकती है, पर अस्थमा को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकती। इसीलिए अस्थमा को जड़ से ख़त्म करना है तो शरीर में जमा कफ पिघलाना और उसे आंतों द्वारा बाहर निकालना, यही एक सॉल्यूशन है। दोस्तों, यही करने के लिए आपको फॉलो करने होंगे आगे बताए हुए नुस्खे। सबसे पहला नुस्खा है, 1 चम्मच दालचीनी पाउडर 1 चम्मच पिसे हुए गुड़ के साथ अच्छे से मिलाकर इसे चबा चबा कर खा लें। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है, पर ध्यान रहे दालचीनी असली होनी चाहिए, अन्यथा आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आप गुड़ की जगह 1 चम्मच शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रहे शहद भी प्योर होना चाहिए। मार्केट में मिलने वाला कोई भी मिलावट वाला शहद हरगिज ना लें। दोस्तों, दालचीनी फेफड़ों में जमे कफ को निकालने में बहुत ही उपयोगी होती है। दालचीनी वात और कफ के 50 से भी ज़्यादा रोगों को ठीक कर देती है, इसीलिए कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरा नुस्खा बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी प्याज, अदरक, तुलसी के पत्ते, शहद, जायफल। दोस्तों, प्याज में मौजूद एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ फेफड़ों के फंक्शन को तेज़ी से इम्प्रूव करती है। अदरक चेस्ट कंजेशन और खांसी में बहुत ही लाभदायक होता है और तुलसी के पत्ते और जायफल फेफड़ों में जमे कफ को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आधा प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चुटकी जायफल पाउडर और तुलसी के पत्ते मिक्सी में डालकर इसकी चटनी बना लें। इसे कपड़े से अच्छे से छानकर इसका रस 1 ग्लास में निकालें। इसके बाद आधा ग्लास पानी गर्म करके इसमें तैयार रस मिलाएं और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। हर रोज सुबह इस ड्रिंक का सेवन करने से धीरे धीरे अस्थमा के लक्षण खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर सर्दी खांसी जुकाम और चेस्ट कंडीशन होता है, उनके लिए है अगला नुस्खा। इसे आपको इनहेलर की तरह इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी भीमसेनी कपूर की। दोस्तों, भीमसेनी कपूर को अच्छे से पाउडर बनाकर एक कांच या फिर प्लास्टिक के जार में रख लें। इसे आपको दिन भर में 1-1 घंटे के अंतराल से सूंघना है, जिससे आपको चेस्ट कंजेशन, जुकाम, सिरदर्द से भी राहत। बहुत सी गलत आदतें अस्थमा या उसके लक्षणों को और बढ़ाती हैं। ऐसे में सही खान पान ना किया जाए तो ना तो घरेलू नुस्खे काम आते हैं, ना ही डॉक्टर की दवाइयाँ। इसीलिए आइए जानते हैं कि अस्थमा के रोगी को किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, दमा के रोग में रोगी को दूध और उससे बने हुए खाद्य पदार्थ जैसे आइसक्रीम, दही, पनीर, इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, अंडे, खट्टे फल, मैदा, उड़द दाल या इनसे बने कोई भी पदार्थ, सोया और इनसे बने कोई भी पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, ठंडा पानी, ठंडे पेय पदार्थ, अधिक खट्टे और मिर्च वाले पदार्थ कभी नहीं खाने चाहिए। साथ ही केला, पपीता, चावल, चीनी, दही, इनका सेवन भी दमा रोग में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, घरेलू नुस्खों के साथ साथ प्राणायाम और योग
दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, नाक की हड्डी बढ़ जाना इन जैसे रोगों में बहुत ही लाभदायक होता है। तो जिन भी लोगों को अस्थमा है या फिर सांस लेने में दिक्कत है, वो भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम जैसे प्राणायाम को रोज सुबह करें, जो आपकी सांस लेने की तकलीफ को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।